press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। और आज हम जानेंगे कि SIP कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि SIP है क्या। तो दोस्तों, SIP है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है कि हर महीने हम कुछ थोड़ा थोड़ा पैसे एक मंथली इंस्टॉलमेंट बांध ले जाते हैं कि जिसमें थोड़ा थोड़ा हम पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि हम जैसे अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ भी हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल में हम वो कितना इन्वेस्ट करके कितना अमाउंट हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए हमें दोस्तों सिप कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम प्ले स्टोर में चलते हैं और ये हम प्ले स्टोर में आपको लिखना है सिप कैलकुलेटर। जैसे मैंने ये करा हुआ है, सिप कैलकुलेटर आ जाएगा। और दोस्तों, ये तो मैंने क्या बोलते हैं सिप कैलकुलेटर डाउनलोड पहले से करा हुआ है। इसमें आप ये काफ़ी सारे तरह के कैलकुलेटर्स आपको आएंगे, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कौन सा कैलकुलेटर इंस्टॉल करिए। आपको मैं सिप कैलकुलेटर 7 लाख वालों का कैलकुलेटर मैं इंस्टॉल करने के लिए दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है और बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, जिसको आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब तो सिप कैलकुलेटर हमारा इंस्टॉल मेरे में तो वैली से था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें SIP कैसे कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा जब मैंने पेटीएम की वीडियो बनाई थी हाउ टू बाय म्यूचुअल फंड वाली। उसके बाद दोस्तों ने सबसे पूछा कि कैसे भाई SIP कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बंदे ने कहा कि अगर वो 1000 रुपीज़ 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना रिटर्न आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें मंथली इन्वेस्टमेंट लिखनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ 1000 लिख ली। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड, जैसे उस बंदे ने दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैंने 5 साल तक इन्वेस्ट कराया, आप चाहे मंथली और ईयरली में से, मैंने ईयरली 5 साल के लिए पता कर दिया। और रेट ऑफ रिटर्न, अब इसके ऊपर दोस्तों जैसे हम जिस भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, उसमें हमने देखना है कि वो कितना रिटर्न दे रहा है एक्चुअली। जैसे अगर मैं ग्रोथ फंड में कोई जाता हूँ तो वो अराउंड 20% इंटरेस्ट रिटर्न दे देती है पूरे साल का, बट मैं उसको एक एवरेज रिटर्न लेके चलता हूँ कि एवरेज म्यूचुअल फंड एक 12% का हमें रिटर्न देता है। सिर्फ ये रफली आइडिया मिल जाएगा कि हम ये इतनी सिप लगाएंगे तो हमें कितना रिटर्न आएगा। तो मैं देखता हूँ 12% का रिटर्न लगा के डन, और इसमें हम सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट। अमाउंट इन्वेस्ट होएगा हमारा 60,000। 5 साल के अंदर हम 1000 रुपये के हिसाब से 5 साल में 60,000 अमाउंट हमारा इन्वेस्ट होगा और हमारे को टोटल 22,000 का प्रॉफिट अराउंड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 22,000 ही हो। ऐसा है कि जैसे फर्स्ट ईयर आपको 12% रिटर्न मिला, तो म्यूचुअल फंड मार्केट के ऊपर है। जैसे जैसे मार्केट में ग्रोथ होगी, म्यूचुअल फंड में भी ग्रोथ होगी, तो वो दोस्तों इसके ऊपर है। तो ये क्या पता 12 का नेक्स्ट ईयर आपको 15% रिटर्न दे दे, तो एक एवरेज रिटर्न आ जाएगा। तो कोई पता नहीं कि ये जो टोटल प्रॉफिट आपका 22,000 है, ये आपका 40,000 भी हो सकता है। तो ये था कि ऐसे सिप कैलकुलेट करा जाता है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ वो 5000, हमारा जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो था 82,000 और 82,000 हमें मिलेगा और अमाउंट जो इन्वेस्ट हुआ वो था 60,000। तो ऐसे दोस्तों हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों एक और ऑप्शन है, अगर आपको अपना फाइनेंशियल गोल का देखना है, जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंशियल गोल है 1 करोड़ रुपीज़, तो इसमें हम देखेंगे कि रिटायरमेंट में आपको 1 करोड़ रुपये चाहिए है, तो उसमें हमें कितने की SIP आज से इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये अब 1 करोड़ मैंने डाल दिया है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड, जैसे हम 1 करोड़ आज, जैसे मेरी है 30 एज है और मैं 55 में रिटायर होना चाहता हूँ और मैं 25 साल में ये टारगेट अचीव करना चाहता हूँ, तो हम देखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि आप एवरेज 12% ले लीजिए, तो अगर आप SIP 5,270 रुपये की SIP डालेंगे और 25 साल के लिए और अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 15 लाख, तो आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें 25 साल में आपको 84 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। आपको बस ये देखना है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको देखने से पहले हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पुराने उनके रिकॉर्ड्स देखने चाहिए, 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखने चाहिए, 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखने चाहिए, उस हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने जाना कि SIP कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फाइनेंशियल अड्डा को। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में और फाइनेंशियल मार्केट और बिजनेस न्यूज़ के बारे में बहुत ही नई नई वीडियोस आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, आप मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कभी भी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।